अब मैं आपसे आपका एक एक मुद्दा पूछूंगा कि आपका अगर पूछा जाए तो एक क्या एजेंडा होना चाहिए जो कि आने वाली सरकार को बस्तर में उसको यहाँ पर लागू करना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है सेम हो, अगर अलग अलग हो तो अच्छा होगा। कम से कम 6 पॉइंट हम सरकार को दे सकेंगे कि उन्हें यहाँ पर करना चाहिए। मैं इस बार आपसे शुरू करता हूँ कि 30-30 सेकंड में क्या एजेंडा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा होना चाहिए वो है विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ये आज इतने वर्षों बाद भी जो है बस्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, मूलभूत सुविधाओं, कई गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाएं पहले पहुंचे, उसके बाद गांव के जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनका समाधान होना चाहिए। और सरकार का एजेंडा भी विकास ही होना चाहिए, मेरा ये मानना। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कनेक्टिविटी और एजुकेशन, ये दो एक बड़ा इशू है। बस्तर में अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और बस्तर में एयर और ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, और जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत जर्जर है। जब तक आप यहाँ पर सड़कें और शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बस्तर में विकास लायक सोच होगी। एक बात और कहना चाहता हूँ, बस्तर में हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं। मुझे लगता है कि IAS IPS जो है ना, बस्तर को प्रयोगशाला बनाए हुए हैं। अब समय आ गया है कि ये प्रयोग बंद होने चाहिए, और जिम्मेदार जो है, जो अधिकारी जो प्रयोग कर रहा है उसके लिए उसको जिम्मेदार बनाना चाहिए, ताकि ये पैसे का अपव्यय रुके और कहीं ना कहीं उनकी प्रयोगशाला जो है बंद हो और उन पैसों से बस्तर का विकास हो। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदार तो बनाना ही चाहिए। जिम्मेदारी हमारे देश में लोगों में नहीं है, ये हमें खुद भी लेनी चाहिए, जो हमारे अधिकारी जो हमें रूल करते हैं उनको भी लेनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी और शिक्षा की बात आपने कही, आपका क्या एक मुद्दा होना चाहिए 30 सेकंड में? मेरे हिसाब से बेरोजगारी की समस्या जो है ना, विस्फोटक रूप धारण कर रही है। यहाँ देखिए, NMDC को आए हुए कितने साल हो गए, 50-60 साल हो गए। आज जितने भी लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं सब आंध्र प्रदेश के हैं, क्योंकि मुख्यालय हैदराबाद में है। आज निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ अडानी को दे देना चाहिए स्टील प्लांट, क्योंकि इसका विरोध कौन कर रहा है? NMDC के लोग करवा रहे हैं, ताकि निजीकरण न हो और वही लोग, यही के लोग, यहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा है कुछ। आप देखिए, NMDC बैलाड इलाका, एक आप आंकड़े निकाल लीजिए, बस्तर के आदिवासियों क्या नौकरी मिला? आज नक्सलवाद क्यों पनप रहा है? क्योंकि बेरोजगार जो है ना, नक्सली बन रहे हैं। आज अगर कोई पढ़ा लिखा गांव का लड़का है, उसको काम नहीं रहेगा तो नक्सली के प्रभाव में आ रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या पर अगर कोई सरकार ठोस वो काम करे तो मैं समझता हूँ कि नक्सलवाद भी खत्म होगा, और ये जो है ना, ये जो स्टील प्लांट वाली जो और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बेरोजगार तो एक आया, सबसे बड़ा मुद्दा विकास होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए। आपके हिसाब से एक मुद्दा 30 सेकंड। मेरे दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, चूंकि बस्तर एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को और आगे तक बढ़ाया जाना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान में हम देखें कि देवगुड़ी और मातागुड़ी, एक संरक्षण संवर्धन की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होना चाहिए और इसे और ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहिए। इसी प्रकार से जनजातीय जो भाषा बोलियां हैं, इनका संरक्षण संवर्धन का भी प्रयास होना चाहिए। जैसे कि जगदलपुर में बादल अकादमी की स्थापना की गई है आसना में, वैसे ही इसकी स्थापना अन्य जिलों में होना चाहिए, इसलिए कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने का एक लाभ तो ये है कि सीधे सीधे इनका पिछड़ापन दूर हो जाएगा, इनकी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन से, और पिछड़ापन दूर होगा तो नक्सलवाद पर कहीं ना कहीं प्रहार होगा, जो बस्तर की बड़ी समस्याओं में से एक इंगित की जाती है। तो उनका ये कहना है कि भाई पैसा आ रहा है, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी जमीनी स्तर पर होना चाहिए, उसका लाभ पहुंचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके हिसाब से 30 सेकंड में क्या एजेंडा आपका होगा? जी देखिए, संतोष सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा है, और यही कारण है जो एक धर्मांतरण का भी मुद्दा है बस्तर में। और जब आदिवासी अपने परंपराओं और रूढ़ियों के प्रति आकर्षित होगा, निश्चित रूप से जो बाहरी प्रभाव है, आप ये देखेंगे कि जो धर्मांतरण किए हैं वो प्रसाद नहीं खाना है, गुड़ियों में नहीं जाना है, अपने देवताओं को पूजा नहीं करना है, तो इस तरह की जो बातें फैली हैं और उससे जो समाज विघटन के कगार पे पहुंचा है, और जो आप एक घर में ही दो दो प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उससे तो निजात मिलेगा ही। मेरा एक कहना है
विशेष रूप से बस्तर को लेकर के, कि बस्तर पिछड़ा क्षेत्र है, निश्चित ही आदिवासियों का बाहुल्य क्षेत्र है। इसे मैं समझता हूँ कि विकास के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को सामने ला करके कि आप किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उसे अहमियत देते हुए विकास की योजनाएं बननी चाहिए। और रोजगार में यहाँ के मूल निवासियों को मैं ये कहूँगा खुल के कि भले बाहर का आदिवासी हो, उसे प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। अगर स्थान रिक्त है, अगर नौकरी मिलना चाहिए, बस्तर के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए आदिवासियों को विकास के लिए। हाँ। लेकिन वो बस्तर के मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए। बस्तर का विकास संभव। बहुत अच्छी बात है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये प्लीज धार्मिक भेदभाव ना कराएं, ऐसा हम लोग का मानना है, यहाँ के पत्रकारों का मानना है। और जो रोजगार के अवसर हों, वो स्थानीय लोगों को ही उससे सबसे ज़्यादा फायदा हो, ये इस चीज़ का आदमियों को एश्योर करना चाहिए, ये आपका मानना है। हाँ नरेश, आपका एक मुद्दा क्या होगा? जी, मुझे लगता है कि कौशल विकास के साथ, जो अब जिस तरह से बस्तर धीरे धीरे बदलने की जिस स्टेज पे आ गया है, कौशल विकास के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, इमारतें नहीं, शिक्षक और पेशेवर जो लोग हैं, शिक्षक हैं, वो मिले। और एक बात मैं और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा 30 सेकंड से ऊपर जाकर, बस्तर में जो आदिवासी समाज है या यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, इनमें विश्वास की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारों के बीच चाहे किसी भी योजना को लेकर आए हम, तो विश्वास की कमी है। दूसरा, जो आदिवासी समाज है वो एक बैड कंडक्टर है, किसी भी नए प्रयोग के लिए वो जल्दी से बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी स्कीम आए वो इस तरह से प्लान के साथ आए और उस ढंग से काम करें। युवा उच्च शिक्षा से पढ़ेगा तो उसका वो बदलाव का सही माध्यम होगा बस्तर के लिए। और एक बात और भी है कि अगर हमारे नेता ये कहते हैं कि सब्सिडी या एक तरह से फ्रीबीज देंगे, हम पैसा बांट रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई औद्योगिक घराना आ रहा है, किसी की ज़मीन ले रहा है, तो वो उससे शेयर क्यों नहीं देता उस जमीन के बदले? बहुत अच्छी बात। और इसके अलावा अगर आप फ्रीबीज या पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम सीधे अकाउंट में, खाते में पैसा देते हैं, अगर आप धान खरीदते हैं तो अकाउंट में पैसा देते हैं, तो आप क्यों नहीं जो बस्तर के हिस्से का धन है, आबादी के अनुरूप उनके स्थानीय स्तर पर वो पैसा पहुंचाने की कोशिश करें, संभव हो तो प्रति व्यक्ति भी पहुंचाने की कोशिश करें। ये सरकारों और ये अनुदान सौगातें, प्रेम भेंट जनता के पैसे से जनता को, ये बहुत कारगर नहीं लगता। बहुत अच्छी बात की नरेश आपने। हाँ वरुण, आपके हिसाब से 30 सेकंड में क्या एक मुद्दा आपकी तरफ से होना चाहिए बस्तर का? देखिए, बात बेरोजगारी की जहाँ हो रही है, बेरोजगारी देश भर में कभी नहीं जा सकती अगर आपने उसकी जड़ को नहीं पकड़ा। उसकी जड़ जैसे नरेश ने बताया कि कौशल विकास को छूने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस तरह से नहीं छुआ गया है। जब तक देश में कौशल विकास को नहीं छुआ जाएगा, नहीं उसको एकेडमिकली उसको उसमें नहीं डाला जाएगा कि हम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा कितना परसेंट हिस्सा ऐसा है जो हम इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे हम भी एक समाचार चैनल चलाते हैं, आप तो और बेहतर जानते हैं सर, हम अच्छे कारिंदों के लिए कितने तरसते हैं, 500 इंटरव्यू करते हैं। हम महानगर में बैठे हैं, राय बस्तर तो छोड़ ही दीजिए, महानगरों में बैठे, और हम ही नहीं, दिल्ली से चलने वाले तमाम तरह के इंडस्ट्रीज़ को भी आप ले लीजिए, तमाम जगहों पर देखिए आप, और सिर्फ न्यूज़ इंडस्ट्री नहीं बात हो रही है, सभी जगह देखिए। जैसे हम जिस होटल में ठहरे हैं, जहाँ बच्चे हैं, जो वहाँ जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी स्किल नहीं है, सिर्फ दरवाज़ा खोलने में भी स्किल नहीं है, लिफ्ट चलाने में भी स्किल नहीं है, तो आप सोचिए कि कैसे आप ये कर सकते हैं कि बेरोजगारी चली जाएगी। रोजगार है, काम है, लेकिन काम करने वाले हाथ भी हैं, पर हाथों में वो हुनर नहीं है, कुशलता नहीं है। एक मैं कहूँगा कि इस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे नरेश जी भी लोग ढूंढ रहे हैं दो इनके साथ काम करने के लिए, लेकिन वो स्किल लोग यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो अंत में दो चीज़ें मैं कहूँगा, मेरा एजेंडा अगर होगा तो वो टूरिज्म का होगा, शायद आप में से कोई बोला नहीं तो मैं टूरिज़्म, क्योंकि मेरा मकसद ही यहाँ पर शो करने का ये है कि यहाँ का टूरिज़्म इतना खूबसूरत है, तो ये मुद्दा मेरे पास ही आके गिरा, चांस की बात कह लीजिए या संयोग कह लीजिए, तो ये एक बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। तो अंत में आपने, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये चर्चा सुनी, आप चुनाव एकदम चरम पर हैं, आपके पास नेता आएंगे, राजनीतिक पार्टियां आएंगी, अपने वादे लाएंगी, अपने इरादे आपको बताएंगी, कुछ उसमें मुफ्त फ्रीबीज वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये चर्चा सुनी तो जो जनता के एजेंडा है, जो होना चाहिए, वो असल में इस नाव से, इस जलप्रपात के सामने निकल कर आया, क्योंकि जो ये मेरे सारे साथी बैठे हैं ये पिछले कई सालों से यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सामने लाते रहे हैं, उनके मुद्दों को अपनी कलम से या टीवी पर लिखते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। तो इनको ज़रूर सोचिए, समझिए, और उसके बाद नेताओं की बातों को तोलिए और वोट ज़रूर दीजिए।
वोट देना इसलिए जरूरी है कि ये आपका अधिकार है और इस अधिकार के जरिए ही आप अपने लिए सुख सुविधा और सुरक्षा जुटा सकते हैं। जिस तरीके से सुरक्षा के प्रति गंभीर होते हुए हम लोगों ने भी इस नाव पर ये जैकेट पहनकर ये शो किया, हालांकि ऑप्शन ये था कि हम जैकेट ना पहने, लेकिन हमारा ये संदेश है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, समझदार बनिए और वोट जरूर दीजिए।